अंदर हम बात करेंगे कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की। बेसिकली हम चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सेक्शन की बात करेंगे जो पेपर वन और पेपर टू का है। और ये जो थ्योरी है ये दोनों पेपर्स में आती है, इसमें से क्वेश्चन हर साल आता है, तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्याजे की थ्योरी की बात की थी, इसमें मैं कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। मैं आपको एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, उन्होंने कितनी स्टेजेस दी, उन्होंने थ्योरी कैसे डेवलप करी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और साथ साथ अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो स्किप करके ना देखें क्योंकि उससे आपको बीच का जो पोर्शन है वो समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो पूरी देखने की कोशिश करें ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए, डेवलप कर पाए इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से। और इसके नोट्स जो है मटेरियल लिंक आपको नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं कि कोलबर्ग क्या कहते हैं। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग ने एक मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ये थ्योरी उन्होंने प्रॉपर रिसर्च के बाद डेवलप करी थी। बेसिकली ही एग्रीड विद प्याजे'स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। प्याजे हैज गिवन अ थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन 1932। विद बाय गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम दैट थ्योरी ही डेवलप्ड हिज ओन थ्योरी। ही एग्रीड विद व्हाट प्याजे हैज सेड। प्याजे'स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आर पेपर, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। वी विल जस्ट फोकस ऑन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो ही एग्रीड विद व्हाट प्याजे सेड अबाउट द मॉरल डेवलपमेंट। ही यूज्ड प्याजे स्टोरी टेलिंग टेक्निक टू टेल पीपल स्टोरीज इन्वॉल्विंग मॉरल डिलेमास। उसने जो प्याजे ने स्टोरी टेलिंग टेक्निक बताई थी वो लोगों को स्टोरीज के थ्रू पूछता था, इन्वॉल्व करता था मॉरल डिलेमास में, और फिर उनसे पूछता था कि क्या सही होगा या क्या गलत होगा। He presents a choice in each case between the right of some authority and the need of some deserving individual who is being unfairly treated. कोलबर्ग क्या करते थे, वो ऐसे situations create करते थे जिसके अंदर एक तरफ तो authority सही होती थी और दूसरी तरफ individual होता था जो basically बेचारा बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ होता था, उसको unfair treatment दिया जाता था। इन्होंने शिकागो में अपनी रिसर्च करी थी और 72 बच्चों में इन्होंने अपनी रिसर्च करी थी जो कि 10 और 16 इयर्स के बीच में थे। इनमें से 58 बच्चों को इन्होंने 20 साल तक फॉलो करा, तीन तीन साल के इंटरवल पे, यानी कि हर तीन साल बाद इन्होंने उन 58 बच्चों के इंटरव्यूज लिए, उन्हें अलग अलग स्टोरीज सुनाए, उन्हें मॉरल डिलेमास में डाला। और फिर बेसिकली जो कोलबर्ग थे उन्हें बच्चों के एक्चुअली मॉरल डिलेमा से इम्पोर्टेंट उनके लिए उनके रिएक्शंस थे, रीजंस थे कि बच्चे किसी भी चीज के पीछे क्या रीजन दे रहे हैं, और उन्होंने उसके बाद अपनी थ्योरी को डेवलप करा था। वन ऑफ हिज फेमस स्टडी कंसर्न्स अ मैन नेम हाइंस। जब कोलबर्ग की बात आती है तो हाइंस वाली स्टोरी की बात जरूर आती है। कोलबर्ग की एक बहुत फेमस स्टोरी है हाइंस की, जो कि कहती है कि हाइंस एक आदमी है जिसकी बीवी मरने वाली है और उसे कैंसर है, उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है। और डॉक्टर हाइंस को बताते हैं कि एक नई तरह की दवाई आई है जो कि एक लोकल केमिस्ट ने डिस्कवर करी है, अगर हाइंस उस दवाई को ला पाए तो उसकी बीवी बच सकती है। ये सुनता है हाइंस तो उसको बहुत उम्मीद जगती है क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। वो उस लोकल केमिस्ट के पास जाता है तो पता लगता है कि केमिस्ट उस दवाई को 10 गुना ज्यादा दामों पे बेच रहा है, 10 times more, तो बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। अब हाइंस बहुत बेचारा प्रॉब्लम में पड़ जाता है, वापस घर जाता है, अपने फैमिली एंड फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करता है और पैसे इकट्ठे करता है। जब सबसे पैसे मांग लेता है, सब उसकी हेल्प कर भी देते हैं, तब भी उसके पास ओनली 5% पैसे इकट्ठे हो पाते हैं, यानी कि अगर उसने 10 times मांगे थे तो सिर्फ उसका 5 times वो इकट्ठा कर पाता है, अभी भी उसको 5 गुना पैसे चाहिए। तो अब वो पैसे उसके पास नहीं होते और वो कहीं से उसको अरेंज भी नहीं कर पाता। वो हाइंस वापस जाता है केमिस्ट के पास और उसको बोलता है कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा बीमार है, आप प्लीज मेरी मदद करो, इंसानियत के नाते आप मुझे थोड़े कम दाम पे दवाई बेच दो और आप मुझसे ये पैसे ले लो। केमिस्ट उसे साफ साफ इनकार कर देता है, वो कहता है कि वो बिल्कुल भी रेट कम नहीं करेगा क्योंकि ये दवाई जो है सिर्फ उसके पास अवेलेबल है और किसी के पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हाइंस क्या करता है, रात को उस दुकान में शीशा तोड़ के वो दवाई चुरा लेता है ताकि अपनी बीवी को बचा सके।
ये हमने हाइंस की स्टोरी मैंने आपको बता दी है, ये स्टोरी आपको पता लग गई है जो ये मोस्ट फेमस स्टोरी है हाइंस की, और इसी ये स्टोरी उन्होंने बहुत ज्यादा यूज करी है, ये स्टोरी बहुत हाईलाइटेड है। इसमें वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देती हूँ। वो पूछते हैं शुड हाइंस हैव स्टोलन द ड्रग, क्या हाइंस को वो दवाई चुरानी चाहिए थी। वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हाइंस डिड नॉट लव हिज वाइफ, क्या कुछ और अलग होता अगर हाइंस अपनी बीवी से प्यार ना करता होता तो। व्हाट इफ पर्सन डाइड वाज अ स्ट्रेंजर, विल इट मेक एनी डिफरेंस, क्या होता अगर जो इंसान मर रहा है वो कोई स्ट्रेंजर होता यानी कि अननोन होता तो क्या कोई डिफरेंस आता हमारी स्टोरी के अंदर या हाइंस के अंदर। शुड द पुलिस अरेस्ट द केमिस्ट फॉर मर्डर इफ द वुमेन डाइज, पुलिस क्या केमिस्ट को अरेस्ट करेगी, करना चाहिए अगर वो औरत यानी कि हाइंस की बीवी मर जाती है तो। ये चार सवाल वो इस स्टोरी में से पूछते थे, तो ये मैंने आपको सारा इनका डिटेलिंग दे दी है। इसके अलावा एक चीज और आपको बताना मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझती हूँ, इनकी जो थियरी है इन्होंने इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड करा है, और पहली स्टेज ये है, इसका नाम है प्री कन्वेंशनल, दूसरी है कन्वेंशनल, और तीसरी है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल। हर स्टेज के अंदर दो अलग स्टेजेस हैं, हर स्टेज दो स्टेजेस को कंसिस्ट करती है, और साथ ही साथ में कोलबर्ग का ये भी कहना है कि हर इंसान जो है वो इन्हीं स्टेज के सीक्वेंस में बढ़ेगा, जो उसकी मोरल डेवलपमेंट है वो इसी सीक्वेंस में हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। साथ साथ कोलबर्ग ये भी कहता है कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट तक पहुंच पाए, बहुत से लोगों की मोरल डेवलपमेंट बहुत पहले ही रुक जाती है, वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम इनकी स्टेज बाय स्टेज देखेंगे कि ये क्या बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर, प्री कन्वेंशनल के अंदर और कन्वेंशनल के अंदर। अब हम फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे जो हमारी है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज जो हमारी है इसमें कोलबर्ग क्या क्या बातें करते हैं वो देख लेते हैं। इन्होंने इस स्टेज को दो स्टेजेस में डिवाइड किया है, पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और सेकेंड स्टेज हमारी है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है, स्टेज वन एंड टू आर कंबाइंड टू फॉर्म दिस लेवल ड्यूरिंग विच मोरालिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड। स्टेज वन और टू को कंबाइन किया गया है इस लेवल को बनाने के लिए, लेकिन इन दोनों ही स्टेजेस के अंदर जो हमारी मोरालिटी है वो बाहर से कंट्रोल की जाती है। मोस्ट 9 ईयर ओल्ड एंड यंगर सम अबाउट 9, इसके अंदर ज्यादातर 9 साल के या उससे छोटे या थोड़े उससे बड़े बच्चे आते हैं, बेसिकली प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। Authority is outside the individual and the reasoning is based on the physical consequences of action. Authority जो है individual से बाहर है तो जो reasoning है वो भी basically किस चीज पे based है हमारी, कि action क्या होगा, consequence क्या होगा। जैसे अगर हम इस stage पे बच्चे से पूछते हैं कि हाइंस को ड्रग चोरी करना चाहिए, तो बच्चा कहेगा नहीं क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेगी। तो जो वो आउटसाइड बेसिकली फिजिकल कॉन्सिक्वेंस है या जो एक्शन होगा उसके बारे में बच्चा सोच के हमेशा जवाब देगा। सबसे पहली स्टेज हमारी आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, वो कहते हैं कि द चाइल्ड और द इंडिविजुअल इज गुड इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग पनिश्ड। इस टाइप में जो बच्चा है वो हमेशा अच्छा दिखेगा, अच्छा बिहेव करेगा ताकि उसे पनिशमेंट ना मिले। द वर्स द पनिशमेंट फॉर द एक्ट इज द मोर बैड द एक्ट इज अंडरस्टूड। जितनी बुरी उसे पनिशमेंट मिलेगी उतना बुरा उस काम को वो बच्चा समझेगा। सपोजिंगली अगर मैं किसी बच्चे को धक्का दे देती हूँ लेकिन उस धक्का देने के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत मारते हैं, तो वो पनिशमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई, तो वो धक्का देना मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा काम हो गया। तो ये इस चीज के अंदर हमने क्या देखा कि बच्चा जो है बेसिकली आउटसाइड एक्शंस के उस पर रिएक्ट कर रहा है। सेकेंड स्टेज हमारी कहती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज दैट देयर इज नॉट जस्ट वन राइट व्यू दैट इज हैंडेड डाउन बाय द अथॉरिटीज। इस स्टेज में बच्चों को ये पता लग जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ एक सही सॉल्यूशन नहीं होता जो कि अथॉरिटीज बोलते हैं,
बल्कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। सपोजिंगली अगर मैं एक पेन चुराती हूँ तो हो सकता है स्कूल की नजरों में वो एक बुरा काम है, या टीचर कितने मेरे को बोला बेटा ये चोरी करना बुरी बात है, पेरेंट्स ने बोला चोरी करना बुरी बात है। हो सकता है मेरी क्लास में कोई बच्चा हो या मेरा दोस्त हो जो मुझे बोले यार कुछ नहीं होता, एक पेन ही तो चुराया है, कौन सा तूने लाखों करोड़ों की चोरी कर ली। तो किसी भी प्रॉब्लम के जो है डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट है वो बच्चे को समझ में आने लगता है। करेक्ट बिहेवियर इज अंडरस्टूड एज वेदर द चाइल्ड बिहेव बिलीव्स टू बी इन इट्स बेस्ट इंटरेस्ट बट डज नॉट कंसिडर इट्स रिलेशनशिप टू ग्रुप ऑफ पीपल। सही बिहेवियर बेसिकली क्या समझा जाता है, जो बच्चे के हिसाब से बेस्ट है। अगर मैं उसको हाइंस वाला क्वेश्चन देके पूछूं कि बेटा अगर हाइंस ने ड्रग चोरी किया तो क्या सही किया, तो बच्चा बोलेगा हाँ मैम उसने सही किया, क्योंकि अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी बीवी मर जाती। उसने क्या सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि बाकी दुनिया क्या सोचेगी, उसने ये सोचा कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही था। चाहे हो सकता है उसका दोस्त साथ में बैठ के ये बोले कि मैम उसने गलत किया क्योंकि सब लोग उसको चोर बोलेंगे, लेकिन उस बच्चे ने क्या बोला कि नहीं मैम उसने सही किया क्योंकि उसकी बीवी मर जाती अगर वो उस दवाई को ना चुराता। तो ये उसे समझ में आने लगता है कि जो भी बेसिकली मोरल्स हैं उसके, वो उसके इंटरेस्ट पे बेस्ड है, ना कि किसी आउटसाइड या आउटसाइड रिलेशनशिप पे, या ना किसी लोगों पे। तो यहाँ पे हमने दो स्टेजेस की बात करी है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसके अंदर बेसिकली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे बच्चे काम करते हैं, और इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। कन्वेंशनल लेवल की जब हम बात करते हैं तो ये इंक्लूड करता है एडोलेसेंस और अडल्ट्स को, मोस्ट अडल्ट्स को। और कोलबर्ग ने ये भी कहा है कि बहुत सारे लोग जो है इस स्टेज से, इस लेवल से ऊपर नहीं उठ पाते मोरल डेवलपमेंट में। बहुत कम लोग होते हैं जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे पहुंचते हैं। तो देख लेते हैं कन्वेंशनल लेवल किस किस चीज के बारे में बात करता है। इट बिगेन टू इंटरनलाइज द मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ वैल्यूड अडल्ट रोल्स, यानी कि जो इंसान है वो इंटरनलाइज करने लगता है बेसिकली मोरल स्टैंडर्ड्स या अडल्ट रोल्स को, अडल्ट रोल मॉडल्स को। जैसे कि हम अपने रोल मॉडल बना लेते हैं कि मुझे इसकी तरह बनना है या उसकी तरह बनना है, तो वो जैसे सोसाइटी में बिहेव करते हैं हम भी वो इंटरनलाइज करने लगते हैं कि हम भी ऐसे ही बिहेव करें सही तरीके से। अथॉरिटी इज इंटरनलाइज बट नॉट क्वेश्चन। अथॉरिटी जो है सुप्रीम अथॉरिटी वो हम इंटरनलाइज कर लेते हैं लेकिन उसे क्वेश्चन नहीं करते हैं। एंड रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द नॉर्म ऑफ द ग्रुप विच द पर्सन बिलोंग्स। जो रीजन होता है किसी भी चीज के पीछे वो बेसिकली कैसे बेस्ड होता है, जब भी मैं किसी चीज के पीछे रीजन दे रही हूँ, सपोजिंगली मैं कहती हूँ कि हाइंस केमिस्ट को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हाइंस की बीवी मर गई, तो वो जो रीजन मैंने दिया वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, मेरे आसपास के लोगों पे, कि वो भी ऐसा सोचेंगे इसलिए मैंने ऐसा रीजन किया है। स्टेज 3 और 4 इज कम्बाइंड टू फॉर्म दिस लेवल। 3 और 4 को हमने कम्बाइन किया है इस लेवल को बनाने के लिए, ड्यूरिंग विच मोरालिटी इज कैरेक्टराइज बाय एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटीज कन्वेंशंस कंसर्निंग राइट्स एंड रॉन्ग। इसके अंदर बेसिकली सोसाइटी की जो एक्सेप्टेंस होती है, सोसाइटी किसको सही मानती है और किसको गलत, वो भी इंसान जो है उसी पे रिएक्ट करता है। तो पहली स्टेज देख लेते हैं। स्टेज 1 है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि ये स्टेज 3 है वैसे हमारी। अगर हम पहले के 2 स्टेजेस देख ले तो ये हमारी स्टेज 3 है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन एट दिस स्टेज ट्राई टू कन्फॉर्म टू सोशल स्टैंडर्ड्स। लोग जो है बेसिकली वो जो सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि एक स्टैंडर्डिकल फॉर्म है, मुझे उसके हिसाब से रिएक्ट करना है, लोग जो है उसके हिसाब से रिएक्ट करने लगते हैं। दे ट्राई टू बी गुड बॉय एंड गुड गर्ल टू लिव अप टू दीज एक्सपेक्टेशंस बिकॉज दे नो बीइंग गुड बेनिफिट्स देम। वो हमेशा गुड बॉय या गुड गर्ल इमेज में बिहेव करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो गुड है वो उन्हें बेनिफिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हाइंस ने चोरी की तो क्या उसने सही किया, वो कहेंगे नहीं उसने गलत किया क्योंकि सब लोग उसे चोर बोलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ऐसा जवाब देगा तो वो सोशली एक्सेप्टेबल होगा। दे मे जज द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन बाय एवेल्युएटिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन देयर रिलेशनशिप विद अदर्स विच नाउ बींग टू इंडल्ज क्वालिटीज लाइक रिस्पेक्ट ग्रेटिट्यूड एक्सेट्रा।
अब जो इंसान है वो बेसिकली मोरालिटी ऑफ एक्शन यानी कि किसी भी एक्शन का जो मैं रीजन दूंगी उसको जज कर सकता है किस तरीके से, कि अगर मैंने ऐसा करा तो शायद मेरे जो मेरे पति के साथ रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे, जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगी, या फिर अगर मैंने ऐसे करा तो उसको अच्छा फील होगा तो वो मैं दूसरे मेरे बारे में क्या फील करेंगे या मेरा रिलेशनशिप उनके साथ कैसा हो जाएगा एक चीज करने के बाद, वो भी अब लोग इवैल्यूएट करने लगते हैं। फोर्थ स्टेज हमारी आती है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी में क्या होता है, एट दिस स्टेज पर्सन अंडरस्टैंड दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑबे लॉज एंड सोशल कन्वेंशन बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। इस स्टेज से आगे लोग नहीं बढ़ते हैं बहुत से, तो कोलबर्ग कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी के अंदर एक इंसान जो है वो प्रॉपरली जो हमारे लॉज हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं या हमने सोसाइटी मिलकर बनाए हैं, लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो हमारी सोसाइटी है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसे हमने एक लॉ बनाया कि चोरी करना बुरी बात है तो कोई भी इंसान चोरी नहीं करेगा क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरी जो सोसाइटी है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। दिस गोज बियॉन्ड इंडिविजुअल अप्रूवल एग्जिबिटेड इन स्टेज थ्री। अब यहाँ पे जो ये इंडिविजुअल अप्रूवल स्टेज थ्री गुड बॉय गुड गर्ल में दे रहा था कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे गुड मानेंगे अच्छा मानेंगे, यहाँ पे वो चीज खत्म हो जाती है और हम सोसाइटी को सोचने लगते हैं। तो ये हमारी स्टेज थ्री और स्टेज फोर हो गई। स्टेज थ्री हमारी है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, फोर है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। एक चीज आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी कि जब भी आप कोलबर्ग की थ्योरी को पढ़े तो इसके स्टेजेस के नाम जरूर याद रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर में एक क्वेश्चन दे देते हैं कि कोलबर्ग की कौन सी स्टेज हमने चार ऑप्शंस में दी है, स्टेजेस के नाम दे देते हैं, अगर आपको ये स्टेजेस के नाम याद नहीं रहेंगे तो आप उसको टिक नहीं कर पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। तो लास्ट स्टेज की बात कर लेते हैं। लास्ट स्टेज हमारी है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कोलबर्ग का कहना था इस स्टेज तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, ज्यादातर लोग स्टेज फोर के बाद आगे मूव नहीं करते हैं। तो इसके अंदर वो क्या कहता है, स्टेज फाइव एंड सिक्स आर कम्बाइंड टू फॉर्म दिस लेवल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल्ड समटाइम्स। फाइव और सिक्स को कम्बाइन किया है हमने इस लेवल को बनाने के लिए। इस स्टेज को कई बार प्रिंसिपल्ड लेवल भी कहा जाता है। मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल्स ओन पर्सपेक्टिव विच मे बी प्रेफर्ड ओवर सोसाइटल व्यूज, यानी कि जो मेरी मोरालिटी है वो मेरे खुद के पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी उसे सही समझती है या गलत। ठीक है, फिर वो बोलता है इंडिविजुअल में इवन समटाइम्स डिसओबे रूल्स विच डू नॉट मैच देयर ओन प्रिंसिपल्स, यानी कि इंडिविजुअल्स जो है कई बार वो रूल्स भी तोड़ देते हैं जो उनके प्रिंसिपल्स के साथ मैच नहीं करते। मतलब कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए और कोई मेरे सामने मार रहा है तो चाहे मुझे उसका मर्डर भी करना पड़े लेकिन मैं उस जानवर को बचाने के लिए उस इंसान को मार दूंगी क्योंकि वो मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। फिर वो क्या बात करता है, वो कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये हमारी इसकी फर्स्ट स्टेज है या फिर पूरी थ्योरी की फिफ्थ स्टेज। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में वो क्या बात करता है, वो कहता है कि द वर्ल्ड इज सीन एज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन राइट्स एंड वैल्यूज। इसके अंदर हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में अलग अलग ओपिनियंस हैं, राइट्स हैं और वैल्यूज हैं। लॉज आर रिगार्डेड एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट रैदर दैन रिजिड रूल्स, यानी कि जो लॉज हमारी सोसाइटी में बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, हमारे लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो, ताकि लोग ढंग से बिहेव करें, बल्कि रिजिड रूल्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। द थिंकिंग ऑफ दिस लेवल सेज दैट द लॉ विच आर नॉट गुड शुड बी चेंज। इस लेवल की थिंकिंग ये कहती है कि ऐसे लॉज जो कि अच्छे नहीं है सोसाइटी के लिए हमें उन्हें चेंज कर देना चाहिए। चेंज करने के लिए बहुत सारे लोग बैठते हैं, उस पर डिसीजन होता है, तब वो चेंज किया जाता है। दिस इज अचीव थ्रू मेजोरिटी डिसीजन एंड यूजुअली रीचिंग इज कॉम्प्रोमाइज, यानी कि मेजोरिटी के डिसीजन पे जो डिसीजन है वो बेस होता है और बेसिकली कॉम्प्रोमाइज होता है कि दूसरे लोगों को एग्री करना ही पड़ता है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेस्ड है इस वाली स्टेज पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन पे, क्योंकि वो भी यही रीजन करती है कि जो मेजॉरिटी मानती है हम वो फॉलो करेंगे।
लास्ट स्टेज हमारी है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसके अंदर वो बोलता है पीपल एट दिस स्टेज डेवलप देयर ओन सेट ऑफ मॉरल गाइडलाइंस व्हिच मे और मे नॉट फिट द लॉज द प्रिंसिपल अप्लाई टू एवरीवन। इस स्टेज पे जब इंसान पहुंचता है, ये आखिरी स्टेज है, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, वो कहता है कि इस स्टेज पे पहुंच के एक इंसान अपनी खुद की मॉरल गाइडलाइंस बना लेता है जो कि सबको फिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन सबको उन्हें फॉलो करना चाहिए, वो ऐसा सोचता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो होते हैं वो इस लेवल ऑफ थिंकिंग तक पहुंच चुके होते हैं, उनके लिए चाहे उन्हें गवर्नमेंट के खिलाफ जाना पड़े, लोगों के खिलाफ जाके लड़ना पड़े, वो उस चीज के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। द पर्सन विल बी प्रिपेयर टू डिफेंड हिज प्रिंसिपल्स इवन इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द सोसाइटी। वही जो मैंने आपको बताया कि वो इन प्रिंसिपल्स को बचाने के लिए पूरी सोसाइटी के खिलाफ भी चला जाएगा और उस पूरी सोसाइटी से लड़ेगा, लॉस के अगेंस्ट लड़ेगा, लेकिन बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। तो इसके अंदर हमने दो स्टेजेस की बात करी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन की। आज हमने कोलबर्ग की थियरी इस वीडियो में पूरी कर ली है। कल की वीडियो में मैं एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको क्रिटिक बताऊंगी और प्रॉब्लम्स बताऊंगी कि थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स हैं। आज मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से ग्रास्प कर पाए, समझ पाए पहले, फिर उसको क्रिटिक करने के लायक हम लोग बन पाए। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे बेसिकली हौसला दे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊं। कुछ समझ अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।